वेलकम टू क्रिएटिव वर्ल्ड। ये है कोरल ड्रॉ का ट्यूटोरियल और आज हम कुछ भी ड्रॉ नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ ड्यूटोन इफेक्ट पे बात करेंगे। ड्यूटोन इफेक्ट कहाँ यूज होता है, जैसे कि ब्रोशर्स पे, मैगजीन पे, कोई फ्लायर या कोई पोस्टर पे हम इमेज में इफेक्ट आप देखते हो तो उसे कहते हैं हम ड्यूटोन इफेक्ट। और अगर आपको फोटोशॉप नहीं आता है या कोई आप झंझट नहीं करना चाहते हो एक बार फोटोशॉप में जाना और फिर से वापस कोरल ड्रॉ में आना, तो ये काम आप सिर्फ और सिर्फ कोरल ड्रॉ पर भी कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं क्रिएटिव आर्ट। वेलकम बैक अगेन, आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं इस पेज को थोड़ा जूम कर लेता हूँ, राइट। और अब हम इमेज इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल आई, या इंपोर्ट करने के कई सारे तरीके हैं। आप इस पेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी इंपोर्ट का ऑप्शन है, या फिर आप फाइल में जाकर भी इंपोर्ट कर सकते हो, राइट। मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ एक इमेज और इस इमेज को मैं यहाँ कहीं पेस्ट कर देता हूँ, राइट। कुछ इस तरह से एक खूबसूरत से मॉडल का इमेज में लेके आया हूँ। बाय द वे, इस तरह के इमेजेस आपको हाई क्वालिटी की इमेजेस अगर चाहिए तो डाउनलोड करने के लिए unsplash.com या pixlrs.com में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप फ्री में हाई क्वालिटी का इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो। इस इमेज को सेलेक्ट करने के बाद बीट मैप्स में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन है इमेज एडजस्टमेंट लैब, इस पर क्लिक करेंगे। ये एक पैनल खुल जाता है एडजस्टमेंट लैब का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके जो कलर है इसके कलर को ख़त्म कर देंगे। उसके लिए मैं सैचुरेशन में आता हूँ। ये देखिए यहाँ वैल्यू 0 है तो मैं इसको कर दूँगा -100 और एंटर कर देंगे। तो अब देखिए ये ब्लैक एंड वाइट हो गया। अब थोड़ा सा और इसको कंट्रास्ट में बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा मैं कंट्रास्ट बढ़ा देता हूँ। ये मैं इसको 20 के आसपास रखता हूँ, राइट। और ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर देंगे, मैं -10 पे कर देता हूँ। आप रैंडमली कोई भी स्लाइडर आगे पीछे करके देख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको यही वैल्यू रखना है, राइट। और हाईलाइट को भी मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा, यस 13 के आसपास। शेडोज जो है, देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके अगर आपको दिखाऊं, शेडोज यहाँ बालों में और फेस के इस साइड में, देखिए मैं शेडोज को अगर कम कर दूं तो देखिए बालों में जो कलर है वो थोड़ा सा ब्राइट हो गए। तो मैं कुछ इसी तरह से चाहता हूँ, कुछ इस जगह में ब्राइटनेस आए। मैं चाहता हूँ कि वो जो ड्यूटोन है उसमें जो कलर है बालों में ज़्यादा ब्राइट करके आए। तो मैंने ये शेडो को -61 पे रखा है। और मिड टोन क्या होता है, मिड टोन ये है, ये आपका फेस का कलर, ये मिड टोन है। और इसको थोड़ा सा मैं कम कर लूँगा मिड टोन को, राइट। ये देखिए कुछ कम किया। और ये जो शेडोज हमने कम किया था, यहाँ शेडोज थोड़ा सा दिखने लग गया। और अब हम ओके करेंगे तो इस तरह से हमें एक इमेज मिल जाता है। अब क्या करेंगे, मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल ले लूँगा, राइट। और इस रेक्टेंगल एक हम ड्रॉ करेंगे इस इमेज के ऊपर। तो फिर मैं इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक इस इमेज के ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। आउटलाइन जो है, ये देखिए आउटलाइन है, आउटलाइन की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस एक्स के बटन में क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, और ये आउटलाइन चला जाएगा। कोई कलर ले लेंगे। ये जो दो स्लाइडर आप देख रहे हो, ये दो स्लाइडर हैं, एक RGB कलर है और एक है CMYK कलर। तो ये हमारा रास्टर इमेज है तो इसके ऊपर हम RGB कलर फील देंगे, राइट। और आप स्क्रीन में भी देखोगे तो वो भी RGB कलर है। अगर मैं यहाँ से CMYK कलर यूज़ करूँगा
तो शायद आपको कुछ और कलर नजर आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ से आरबीजी कलर में येलो फील देता हूँ। अब मैंने येलो फील क्यों दिया है थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। इसको सेलेक्ट ही रखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ ट्रांसपेरेंसी टूल है, यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर्टी आ जाता है ट्रांसपेरेंसी का, ये है मर्ज मोड। यहाँ क्लिक करेंगे, ये देखिए ये एरो है, यहाँ क्लिक किया और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे डिवाइड। इसमें जैसे मैं क्लिक करता हूँ कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है। अब देखिए मैंने तो चूज किया था यहाँ से येलो कलर, पर ये ब्लू क्यों आया? यहाँ और भी कई सारे ऑप्शन हैं, मैंने उनको क्यों नहीं सेलेक्ट किया, मैंने सिर्फ डिवाइड को ही क्यों किया है। देखिए यहाँ सबट्रैक, अगर मैं सबट्रैक पे क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ है, देखिए ये बैकग्राउंड और फेस और बॉडी का कलर इसमें येलो हो गया, और जो ये हेयर है हेयर में ब्लैक हो गया है। तो मुझे कुछ इस तरह से नहीं चाहिए था, जो कलर है वो मुझे इस हेयर में चाहिए था। यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट होके आए हेयर में, तो इसलिए मैंने डिवाइड यूज किया है कुछ इस तरह से। अब देखिए मैंने यहाँ से तो येलो कलर ही सेलेक्ट किया था, पर ये ब्लू क्यों हो गया? अगर मुझे येलो चाहिए तो फिर कहाँ हम सेलेक्ट करेंगे? तो ये देखिए ये ब्लू है, अगर मैं ब्लू को सेलेक्ट करता हूँ तो ये येलो हो जाता है, और ग्रीन को सेलेक्ट करता हूँ तो ये हो जाता मजेंटा, और हम मजेंटा को सेलेक्ट करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। ये देखिए मजेंटा है, ये ग्रीन हो गया। तो कुछ इस तरह से भी आप कर सकते हो, यहाँ रेड को सेलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ से सियान हो जाएगा, और सियान को सेलेक्ट करेंगे तो ये रेड हो जाएगा। तो मैं वापस से येलो ही सेलेक्ट करता हूँ, और इस पूरे इमेज और उस रेक्टेंगल को, इन सबको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ग्रुप कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे ग्रुप ऑब्जेक्ट, या फिर आप ऑब्जेक्ट में भी जाके यहाँ से ग्रुप कर सकते हो ग्रुप ऑब्जेक्ट, या कंट्रोल जी से भी आप ग्रुप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये ट्यूटोरियल आपको ज़रूर पसंद आया होगा, पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइबर है तो बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, आप मेरे कमेंट सेक्शन पे कमेंट दे सकते हैं। अगले कोरल ड्रॉ के ट्यूटोरियल में हम फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।